प्यारे मित्रों, आज माता कलिसिया विवाह संस्कार के बारे में मनन चिंतन करने के लिए हमारा आह्वान करता है। विवाह संस्कार कैथोलिक के कलिसिया के 7 संस्कारों में से एक संस्कार है, जो पवित्र संस्कार है। यह मनुष्यों के द्वारा धरती पर नहीं, किंतु स्वर्ग में ईश्वर के द्वारा स्थापित की गई संस्कार है। यह संस्कार पवित्र संस्कार है, क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा स्थापित की गई है। इस संस्कार में पति और पत्नी एक दूसरे को अपने शरीर और आत्मा के साथ में समर्पित कर देते हैं और एक समर्पण का जीवन जीते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 के पद संख्या 6 में कहा गया है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जो संस्कार ईश्वर ने स्थापित किया है, उसके कार्य में मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं है कि उनकी संस्कारों को छेड़छाड़ करें। ईश्वर ने धरती पर सब जीव जंतुओं को बनाया। सभी जीव जंतुओं को बनाने के बाद उन्होंने आखिरी में धरती की मिट्टी से उन्होंने मनुष्य को बनाया, और सारी सृष्टि कार्य समाप्त करने के बाद में सभी जीव जंतुओं को मनुष्य को दिया, ताकि मनुष्य उन सभी जीव जंतुओं का नाम रखे। मनुष्य ईश्वर के द्वारा बनाई गई उन सभी जीव जंतुओं का उनके अनुसार नाम रखा और उन्हें नाम से पुकारता था और उन्हीं के साथ में रहता था। इन बातों को ईश्वर ने जब देखा और गौर किया, तब उनको ऐसा लगा कि मनुष्य अकेला है। उसके लिए इन जीव जंतुओं के बीच में उपयुक्त संगनी नहीं है। इसलिए उन्होंने विचार किया और कहा, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 के 18वां वचन में हम पढ़ते हैं, मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए एक उपयुक्त संगनी बनाऊंगा। ऐसे ईश्वर ने विचार किया और उसके लिए एक उपयुक्त संगनी बनाया। पवित्र शास्त्र उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 के पद संख्या 21, 22 और 23 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह मनुष्य सो रहा था, उनके बगल से एक पसली निकाली और उस जगह को मांस से भर दिया। मनुष्य से निकाली गई उस पसली के द्वारा ईश्वर ने एक नारी को बनाया और उस नारी को मनुष्य के पास ले गया। जब मनुष्य ने उस नारी को देखा, तब वह बोल उठा, यह तो मेरे हड्डी का हड्डी है, मांस का मांस है, इसका नाम नारी है। और उन्होंने उसका नाम नारी रखा। नारी का अर्थ है नर से निकाली गई। प्यारे मित्रों, यही वो एक रहस्य है, वैवाहिक जीवन का रहस्य यही है कि पति पत्नी एक ही शरीर है। यही रहस्य के बारे में प्रभु यीशु हमें समझाते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 के पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ एक हो जाएगा, अब वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यही एक महत्वपूर्ण ईश्वर के संस्कारों के रहस्य है। पति और पत्नी इस संस्कार में एक दूसरे के साथ में शरीर और आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक दो नहीं किंतु एक ही रह जाते हैं। तो ऐसे महान रहस्य वैवाहिक जीवन में पति पत्नियों को मिला है। विवाह संस्कार पति पत्नियों का
पूर्ण रूप से एक हो जाना ऐसी महान संस्कार है। इसी संस्कार के बारे में हम आज के दूसरे पाठ में समझते हैं कि जिस प्रकार प्रभु यीशु ने प्राण पीड़ा के द्वारा, क्रूस मरण के द्वारा मानव जाति को उनके पापों से मुक्त कर दिया और उन्हें पवित्र बना दिया, वही प्रभु यीशु अपने दुख भोग मरण और पुनरुत्थान के द्वारा वैवाहिक जीवन को निरंतर पवित्र करते रहते हैं। प्रभु यीशु के उस रहस्य के द्वारा, उस पवित्र मरण के द्वारा पति और पत्नी एक दूसरे को अपने वैवाहिक जीवन में निरंतर पवित्र करते रहते हैं। जब पति गिर जाता है, पत्नी उसे संभालती है। जब पत्नी गिर जाती है, उसे पति संभालता है। इसी प्रकार एक दूसरे को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को पवित्र रखते हैं। यही तो विवाह संस्कार की पवित्रता कही जाती है, यही तो विवाह संस्कार की पवित्रता है। आज के पवित्र सुसमाचार में हम सुनते हैं फरीसी और प्रभु यीशु के बीच में विवाह संस्कार को लेकर वाद विवाद। फरीसी लोग अपने हृदय की कठोरता के कारण यह विषय लेकर आते हैं और प्रभु से पूछते हैं कि अपनी पत्नी को परित्याग करने का अनुमति ईश्वर ने दिया है या नहीं। अपनी पत्नी को त्यागने की अनुमति शास्त्र में है या नहीं, प्रभु यीशु स्पष्ट उन्हें समझाते कहते हैं, प्रारंभ से ही ईश्वर ने नर और नारी को बनाया और एक दूसरे के लिए दे दिया। इन बातों से वे सहमत नहीं होते हैं क्योंकि उनकी हृदय की कठोरता इन बातों को स्वीकार करने से असमर्थ कर देती है। प्यारे मित्रों, हृदय की कठोरता वैवाहिक जीवन में एक नुकसान पहुंचाने वाली बात है। कई सारे दंपति अपने हृदय की कठोरता के कारण वैवाहिक जीवन के सुख नहीं भोग सकते हैं, उनसे वंचित रह जाते हैं। कई सारे वैवाहिक लोग अपने परिवार में वैवाहिक जीवन का सुख संतान को नहीं देख पाते हैं। यही वो कारण है। आज प्रभु हमें समझाते हैं, कहते हैं, मूसा ने आप लोगों को अनुमति पत्र इसीलिए लिख दिया है कि तुम्हारे हृदय इतनी कठोर है कि तुम एक दूसरे को स्वीकार करने से असमर्थ हो। प्यारे मित्रों, आइए आज हम उन सभी लोगों को याद करें, उन सभी दंपतियों को, अपने माता पिताओं को याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि वैवाहिक जीवन पवित्र जीवन है, एक संस्कार है, वे अच्छी तरह से जी सके, उसके उस वैवाहिक जीवन में आनंद और खुशी मना सके, संतान को ईश्वर का वरदान समझकर स्वीकार कर सके। कई सारे दंपतियों के जीवन में संतान नहीं होते, कई सारे लोगों के जीवन में संतान है किंतु उनको संतान को प्यार नहीं कर पाते। कई सारे परिवार में ऐसे हैं कि वे लोग विवाह करना चाहते, विवाह में उन्हें कोई भी वर या वधु नहीं मिल पाता, ये समस्याएं हैं। आइए हम विवाह संस्कार से हम जाने और परखें, ईश्वर के वचन पर चलें कि ईश्वर इन सभी दंपतियों को अपने आशीष से, भरपूर आशीष से पवित्र बनाए रखें, एक दूसरे को पवित्र आत्मा के ज्ञान बांटते रहें जिससे एक दूसरे को वे समझ सके और अपना जीवन बिता सके। आइए हम आंखें बंद करें। हे खुदा यीशु नाजरी, आज विशेष रूप से सभी संसार में व्यक्त सभी दंपतियों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ, जो अपने वैवाहिक जीवन को खुशी से नहीं बिता पाते, कुड़कुड़ाते, एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते,
एक दूसरे को अपने शरीर और आत्मा को समर्पित नहीं कर पाते, ऐसे दंपतियों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। और उन सभी लोगों को भी याद करता हूँ जो शादीशुदा जीवन जीना चाहते हैं, पति पत्नी बनकर जीना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए वर और वधु मिलना मुश्किल हो गया है। परमेश्वर उनके लिए उपयुक्त संगनी बनाइए, उपयुक्त संगनी उनके लिए जोड़िए, जिस प्रकार से आपने प्रारंभ से ही किया है। आज विश्वास और भरोसा करते हैं आने वाले सभी पीढ़ियों में आपकी वही सृष्टि कार्य जारी रहेगी, लोगों को अच्छे दंपत्य जीवन जीने का वरदान मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, कलीसिया का निर्माण होगा, और ऐसे दिन-ब-दिन अपने एक दूसरे सहयोगी को, संगनी को, अपने पति पत्नी के जीवन को पवित्र करने की क्षमता मिलेगी, एक दूसरे को सहयोग करने स्वीकार करने की क्षमता मिलेगी। यही मेरी छोटी सी प्रार्थना है, लागू कर खुदा यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन।